टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभा में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने अंकुर अभियान के अंतर्गत 22 लोगों को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा कि जहां सांस है वहां जीवन की आस है, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त हवा आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण में दूषित हवा को कम कर पर्यावरण संतुलन किया जा सकता है, जिससे हम सभी स्वच्छ हवा प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर व्यक्ति को आपसी सहभागिता निभाकर राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि 5 मार्च तक पौधारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। पौधारोपण के पश्चात एंड्रॉइड फोन वाले लोग वायुदूत ऐप डाउनलोड कर फोटो अपलोड की, जिनमें टीकमगढ़ जिले से 22 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पूरे अभियान के अंतर्गत ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है, तो हमारे जिले के कुल 22 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। इसमें 60 टेस्टेड किए गए। इन लोगों ने वायुदूत ऐप डाउनलोड करके और पौधारोपण किया, उसकी फ़ोटो उस पर अपलोड की है। साथ ही ये संकल्प लिया है कि ये पौधे को हम जीवित रखेंगे, बड़ा करेंगे। तो इसलिए ये 22 लोगों के आज प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था, जो कि वितरित किया गया है। और आज अंकुर अभियान का अंतिम दिन है, तो हम एक जन आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ वृक्षारोपण के लिए अपने पूरे जिलाधिकारियों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।